शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किस्मत की लकीरों से चलिए आइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, जिस काम के लिए आप दोनों खुद आए। अरे शुक्रिया किस बात का, और वैसे भी मुझे झूठ फरेब धोखा ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। जो गलत है वो गलत है, और अब है हमने तो आपकी बहुत छोटी सी मदद की, लेकिन आपकी पत्नी इतनी बहादुरी के साथ आपके साथ खड़ी रही, बहुत बड़ी बात है। आप सच में बहुत लकी हैं कि आपके पास ऐसी पत्नी है। और हाँ, अगर वो इंस्पेक्टर किरण या उसके बेटे ने आप दोनों को या आपके बच्चों को फिर से परेशान किया तो प्लीज हमें बताना। इस बार उन्हें जाने दिया, पर अगली बार वो नहीं बचेंगे। नहीं नहीं रागिनी जी, उम्मीद करते हैं कि अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप दोनों ने अपना इतना कीमती वक्त निकाला हमारी मदद करने के लिए, यही बहुत है। शुक्रिया। आपका ये एहसान हम पे हमेशा रहेगा। आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज बताइएगा, हम हाजिर हो जाएंगे। एक दूसरे का साथ ही तो परिवार कहलाता है ना। बस अब आप लोग ये समझ लीजिए कि हम एक परिवार। क्या हुआ, तुम ठीक हो? हाँ, वो गले में थोड़ी खराश हो गई है इसलिए। हम फाइन, घर चले। अबे और श्रद्धा को भी घर जाने दो। अब हम चलते हैं। नमस्ते। हमसे प्लीज हमारी हेल्प करो ना। बेटा, जो आपसे हो पा रहा है ना, पहले वो कर लीजिए, बाद में हम आराम से वो करेंगे जो आपसे नहीं हो पा रहा। नहीं, हम पहले यही करेंगे, फिर बाद में करेंगे आगे का। अरे पर क्यारा, वो क्यारा क्या हुआ, क्यों जिद कर रही हो? क्या समझ में नहीं आ रहा, आज के बाद तुम हर सवाल मुझसे पूछोगे, समझी? अभी से आदत डाल लो, जाके अपने कमरे में पढ़ाई करो, मैं भी आता हूँ। वरुण जी, ये क्या तरीका था कियारा से बात करने का? हाँ, बच्ची है वो, अरे कम से कम उसके सामने तो अपने आप को संभालिए। कीर्ति, अब तुम तो मुझे मत ही समझा कि मुझे अपनी बेटी से कैसे बात करनी। तुम जाओ, जाके अपना काम करो। वैसे भी आजादी चाहिए थी ना तुम्हें, दे दी मैंने, जाओ। वरुण जी, थोड़ा सा काम क्या शुरू कर दिया? अरे आपको हर बात पर ताने सुनाए जा रहे हैं। तुम क्या क्या काम कर रही हो, ये मुझे सब समझ में आ रहा है। मैंने तुम्हें मना किया था कि वहां पर काम मत करो, लेकिन तुम नहीं मानी, और मानोगे भी क्यों? तुम्हें तो आजादी चाहिए ना, मुझसे, मेरे परिवार से, क्योंकि उसके बदले ये तुम्हें ये सब जो मिल रहा है ना। हिम्मत कैसे हुई अपनी पत्नी के साथ इस तरह बात करने की? ये संस्कार दिए हमने आपको? कीर्ति अपने आप को बदलने की कोशिश कर रही है, आपके लिए इतनी मेहनत कर रही है, घर भी संभाल रही है हम सबके लिए, पर उसमें उनकी मदद करने की बजाय आप उनका इस तरह से अपमान कर रहे हैं। अगर दोबारा कभी भी आपने कीर्ति से इस तरह बात की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा।
मम्मी आप जानती नहीं हो ये क्या वरुण, कीर्ति ऐसा तो क्या कर सकती है जिसके लिए आप उनसे इस तरह बात करेंगे? हाँ ताई जी, आप शांत हो जाइए, वरुण जी और कीर्ति से हम बात कर लेते हैं। अगर अपनी पत्नी को इज्जत नहीं दे सकते ना, तो उनकी बेइज्जती करने का भी आपको कोई हक नहीं। क्या हुआ भाई, क्यों भड़क रहा है? वरुण जी, ताई जी के सामने अगर हम ये बात करते तो बात सिर्फ बढ़ती ही। अब आप बताइए ना, क्या बात है? दीदू, कुछ भी नहीं। अब भी झूठ बोलोगी? तो वरुण जी, आप ही बता दीजिए ना कि आखिर बात क्या है। कीर्ति का बॉस राज सिंघानिया, वो आदमी बहुत अच्छा है यार। उसने उसकी बीवी रागनी नहीं तो मुझे इस झूठे केस से बाहर निकाला। तुझे पता है, पुलिस स्टेशन तक आ गए थे मुझे छुड़ाने के लिए। आज के टाइम पे कौन करता है अनजान के लिए इतना सब कुछ? हाँ, वो बात तो है, पर वरुण जी आप बताइए ना, आप क्या कह रहे थे? खुशी, आजकल पता नहीं मुझे क्या होगी, ना बात की पता नहीं क्या क्या बोलता रहा था। सॉरी। कीर्ति, क्या बात हो गई है? वरुण जी आखिर क्या छुपा रहे हैं? अभय, कुछ तो बात है जो वरुण जी कहना चाह रहे थे और उन्होंने कहा नहीं। आपने देखा नहीं, दोनों कितने परेशान लग रहे थे। कोई मौका नहीं छोड़ती ना तुम जासूसी करने का, वो भी अपने ही घर में। पति पत्नी को भी मौका दे दो अपनी परेशानियां खुद हल करने का। अभय, हम एक साथ एक ही घर में रहते हैं, अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वरुण जी जरूर कुछ कहना चाह रहे थे, मुझे लगता है कि वो आपसे शायद खुलकर बात कर पाए। हम अपनी जिंदगी संभाल लें, फिर दूसरों की जिंदगी में घुसेंगे। मुझे मीटिंग की तैयारी करनी है, और तुम भी ना अपना दिमाग ज्यादा मत दौड़ाओ। चलो। अरे यार, ये टाई कैसे बांधते हैं, मीटिंग के लिए देरी ना हो जाए। अब मैं बांध देती हूँ। तुम बांधोगी टाई? कभी पहनी भी है? अब या तो आप मुझसे मदद ले लीजिए या फिर लड़ लीजिए, और ये आड़ी टेढ़ी टाई पहन के मीटिंग में चले जाइए। लो। किस्मत की लकीरों से, 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 किस्मत की लकीरों से। अच्छा, वो रागनी जी के कुछ सवाल है कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, तुम प्लीज उनसे बात कर लोगी? मैं कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स बनवा लेता हूँ। ठीक है, अब ये आपकी चाय। अच्छा सुनो, टाई अच्छी बांध लेती हूँ। अंदर नहीं जा सकते हैं।
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम जानते हो ना हम कौन है? राज की पर्सनल सेक्रेटरी हैं हम, और तुम जो ये कर रहे हो ना, तुम दोनों को ना नौकरी से निकलवाते हैं। राज सर ने ही मना किया आपको अंदर जाने से। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, हम अभी राज से बात करते हैं। मैडम आप समझने की कोशिश करिए, आपको यहाँ से निकाल दिया गया है। आप अगर जबरदस्ती करेंगे ना तो हमारी नौकरी भी जा सकती है। अंदर तो हम जाकर रहेंगे। हमारी तरफ से इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। रागनी के लिए ये डील सबसे इम्पोर्टेंट है, और साइन करने से पहले हर एक चीज को ध्यान से पढ़ो। और आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ऐसा करने की? ना हमारा फोन उठा रहे, ना हमें ऑफिस के अंदर आने दे रहे। कृति तमाशा मत करो, जाए वहां से, मीटिंग में हूं मैं। पहले हमें जवाब चाहिए कि आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहले खुद ही काम पे रखा, अब खुद ही काम से निकाल रहे हैं। शट अप कीर्ति, ये सब क्या हो रहा है राज? ये क्या बोल रही है श्रद्धा? तुम्हारी बहन यहां मेरे ऑफिस में खड़े रह के ये तमाशा कर रही है? क्या बकवास हो रही है? और तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ, मुझे मेरे पति से अकेले में बात करनी है। तो करिए ना बात, बात ना हमारे सामने होगी। चल यहाँ से कीर्ति, कीर्ति चल। कुछ सीधा सीधा पूछूंगी कीर्ति, और तू मुझे उसका सीधा सीधा ही जवाब देगी। मुझे सच बता, तेरे और राज जी के बीच में क्या चल रहा है? जीतू ये ना हमारा निजी मामला है, तो आप इसमें मत पड़िए। इस मामले को तूने निजी रखा ही नहीं कीर्ति। जिस तरह से तू राज जी के ऑफिस में चिल्ला चिल्ला कर तमाशा कर रही थी ना, मैंने भी देखा है। और अब तू मुझे सच सच बता, तेरे और राज जी के बीच में वो क्या था? मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ कीर्ति, क्या रिश्ता है तेरा राज जी के साथ? राज और हम साथ हैं, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। ये क्या कह रही है तू कीर्ति? दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? वरुण जी के होते हुए तू किसी और आदमी के साथ रिश्ता बना रही है? क्या नहीं किया उन्होंने तेरे लिए? क्या किया? क्या किया उन्होंने? उनसे एक चीज मांगो ना, सीधा मुंह पे मना कर देते हैं। अरे हम तो फंस गए इस शादी में, ऐसी शादी जिसमें हमारे सपनों को कुचल दिया गया है। वो शादी जो हमारी मर्जी के बिना हुई थी। अपनी बच्ची कियारा, एक बार भी नहीं सोचा तूने उसके बारे में? एक बार भी नहीं सोचा ना तूने उस बच्ची पर क्या बीतेगी कीर्ति? चाहे जो भी हो जाए, ये हमारा आखिरी फैसला है। और राज, राज हमारे लिए कुछ भी कर सकता है, हमारे सपनों को, हमारी ख्वाहिशों को सब पूरा कर सकता है। ऐसी कौन सी तेरी ख्वाहिश है कीर्ति जो वरुण जी ने पूरी नहीं की? उसे जो कुछ मांगा, जब मांगा, महंगी से महंगी चीज उन्होंने तुझे लाके दी। दिन रात एक किया है तेरे। साल में एक बार दे दूं, वो भी हजार मिन्नतों के बाद। और राज, राज बिना बोले हमारे लिए चीजें करता है।
दीदू हम ना आपके जैसे नहीं है, हम आपके जैसे इस छोटे से घरौंदे में खुशी खुशी जिंदगी नहीं बिता सकते। आपके लिए पति बच्चे परिवार यही सब कुछ है, हमारे लिए नहीं। हमें ना जीना है, हमें ना खुले आसमान में उड़ना है। तो आप इस मामले से दूर रहिए, ये हमारी मर्जी है। हम जो कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं और आप इसमें दखल मत दीजिए। ले लीजिए पानी। हाँ रख दो। अच्छा एक बात बताओ, कल की तीज की तैयारी श्रद्धा ने कर ली है? आप मम्मी, श्रद्धा भाभी अभी तक घर नहीं आई हैं। पर कोई बात नहीं, वो तो वैसे भी हमेशा सब कुछ संभाल ही लेती हैं। हाँ बड़ा संभाल लेती हैं, आधे वक्त तो घर में रहती नहीं है, सब कुछ हम ही को देखना होता है। बड़ा संभाल लेती है। आरती बेटा एक काम करो, आरती की थाल ले ही आओ, क्योंकि बहू रानी समय निकाल के घर आ गई हैं। अब तो उन्हें आराम भी करना होगा। तो एक काम करो तुम ना हमें ही बता दो कि बाजार से क्या क्या लेके आना है, तो हम अपने चोट लगे हुए हाथ से बोझ उठाकर ले आएंगे। सुना तुमने? हाँ। जी मम्मी जी, आप कुछ कह रही थी क्या? हे भगवान, बस यही दिन देखा बाकी रह गया था हमारे लिए, अब हमारी आवाज भी तुम्हारे कान तक नहीं पहुंच रही है। हम तुमसे उम्मीद ही काय रखते हैं, अरे हम खुद ही तीज की तैयारी कर लेंगे। मम्मी जी, मैं आज रात को ही सारी तैयारियां कर लूंगी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। हमारी चाय ठंडी हो रही है, हम जा रहे हैं। श्रद्धा बेटा, मम्मी, श्रद्धा बेटा, बेटा अनुजा जी तुमसे कितनी बुरी तरह से बात करने लगी है, और इन दिनों ना जाने हमने भी तुमसे क्या कुछ कह दी। नहीं मम्मी, आप मम्मी जी को गलत समझ रहे हैं, उनके हाथ का दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया है ना कि उसी वजह से वो थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई हैं। आप खुद ही बताइए, दिन भर घर में रहती हैं, कुछ काम नहीं कर पाती, कहीं जा नहीं पाती, तो ऐसे में ये हो जाता है ना। आप बैठिए ना, मैं भी आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ, बैठिए बैठिए। नहीं नहीं, हम सिर्फ तुम्हें ये देने के लिए आए थे, तुम्हारे सुहाग का सामान। तीज है ना, और ये कीर्ति का सामान है। पहले तो हमने सोचा था कि हम खुद उससे समझाएंगे, हम खुद उससे कहेंगे कि इस बार ढंग से व्रत रखे। कोई बात नहीं मम्मी, ये आप मुझे दे दीजिए, मैं उसे दे दूंगी। वो अभी तक ऑफिस से लौटी नहीं है ना, उसे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तो मैं ये खुद उसे दे दूंगी। बेटा कीर्ति अब भी टाइम पे घर नहीं आती है, क्या कर रही है ये लड़की? यहाँ वरुण जी इसकी सारी जिदें, हर बात इसकी मानते हैं, जो कहती है वो करते हैं, लेकिन इस लड़की को अपने सिवा किसी की कोई परवाह ही नहीं है। पता नहीं कब सुधरेगी ये लड़की। अच्छा बेटा अब हम चलते हैं, तुम अपना ख्याल रखना। रागनी प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो,
वो कीर्ति पागल हो चुकी है यार। मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया इसलिए वो तमाशा कर रही है। और तुम्हें याद है ना उसने तुमसे कितनी बदतमीजी से बात की थी जब पहली बार वो तुमसे टकराई थी। देख के नहीं चल सकती आप? अंदर से धर धराते हुए आप आ रही थी। हाँ तो हमारा घर है, जैसे मर्जी बाहर आए अंदर जाए। मुझे वो लड़की हमारे ऑफिस में नहीं दिखनी चाहिए राज। तुम जानते हो ना ऐसी बदतमीजी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाय रागिनी। हाय। थैंक गॉड कीर्ति का तमाशा संभल गया। राज सब ठीक है ना? रागिनी थोड़ी नाराज लग रही है। अरे ऑल गुड ऑल गुड। वो क्या है कि काम की थोड़ी टेंशन हो गई थी, बाकी सब ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट को लेकर जो भी डाउट थे सब क्लियर हो गए हो तो डील साइन कर ले। हाँ काम शुरू कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट? हाँ। एक सेकेंड। हाँ बोलो। कॉन्ट्रैक्ट पर साइन तो नहीं हुआ है ना अभी तक? मैं दो मिनट में आता हूँ। नहीं अभी करने जा रहा हूँ बस। अभय आप ना प्लीज थोड़ी देर रुक जाइए। अभय वो राज बिल्कुल भी ठीक आदमी नहीं है और काम को लेकर उसके इरादे भी। वो सब छोड़ो श्रद्धा, तुम्हारी शक करने की आदत ना बढ़ती जा रही है बस। तभी मैं तुम्हें अपने विजय से दूर रखता हूँ। तुम्हारे शक की वजह से ना मैं अपना और नुकसान नहीं करवा सकता। मैं डील साइन करने जा रहा हूँ। अभय अभय अगर ये डील फाइनल हो गई ना तो हम सबके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और अभय मैं आपको ये बात बताऊं कैसे? आप तो बार बार मेरा फोन काट रहे हैं। प्लीज पता रानी कुछ गलत होने से बचा लीजिएगा। अब क्या गलत हो गया भाई? किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।